ओके दोस्तों, मेरा ड्रोन का मोटर तैयार हो गया है। अब इसको चलाते हैं, कनेक्शन भी कर दिया हूँ ड्रोन को मोटर को। देखिए कितना हाथ चल रहा है। कितना अच्छा चल रहा है। चलिए इसमें लगाते हैं। इसी रेगुलेटर बना लिया है जिससे हम इसका मोटर कंट्रोल करेंगे। एक से मोटर कंट्रोल करेंगे और एक से इससे ये लाइट कंट्रोल करेंगे। तो हमने एसी भी लगा दिया है। एक एलईडी ड्राइवर है, 9 वाट का एलईडी ड्राइवर से पूरा ये लाइट जलेगा इससे, और इससे चलेगा मोटर। ये 5 वोल्ट का बैटरी चार्ज मोबाइल चार्जर है, 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर, इससे चलेगा मोटर, ये डीसी ड्रोन मोटर। तो चलिए लगाते हैं। देखिए दोस्तों, अब कनेक्शन कर रहा हूँ हम। देखिए कैसे किया हूँ कनेक्शन। ये मेन 2 तार है जो बिजली में जुटेगा, ये दोनों तार। तो इस दोनों से एक तार आया है, ये रेड वाला इसमें आ गया है ड्राइवर में, इसमें से एक चार्जिंग में आया है, इसी में से एक चार्जिंग में आया है, और ये रेड तार गया है स्विच के पास, और स्विच के पास से रेड तार आया है ये। तो इसमें से ये स्विच से होकर इसमें आ गया। तो यानी स्विच ये जब चालू करेंगे तब ये चालू होगा ड्राइवर दोनों, और स्विच बंद करेंगे तो दोनों का कनेक्शन कट जाएगा, ये बॉल का सारा कनेक्शन कट जाएगा, स्विच के द्वारा है सब। देखिए दोस्तों, मेरा कनेक्शन पूरा रेडी हो गया है। अब ये एक कंट्रोल करूँगा इससे, ये एलईडी को इससे कंट्रोल करूँगा इस वॉल्यूम से, और इस मोटर को ड्रोन का मोटर को इस वॉल्यूम से कंट्रोल करूँगा। ये वन ऑफ डायरेक्ट, ये मेन वन ऑफ है, जो टिपूंगा तो लाइट और मोटर दोनों बंद हो जाएगा, ये वन ऑफ है। चलिए इसका कनेक्शन कर दिया, अब इसको ट्राई करना है। चलिए ट्राई करते हैं। अब वीडियो तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, एक टोक निकाल दे रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वोल्टेज कम कर रहे हैं तो ब्लिंकिंग कर रहा है, देखिए ऐसे ब्लिंकिंग कर रहा है। वोल्टेज ज़्यादा कर रहा हूँ तो कम जल रहा है थोड़ा, ये डीजे लाइट की तरह जल रहा है।